एक तरफ इसराइल ने ईरान में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ की हत्या कर दी, वहीं दूसरी तरफ हमास के लड़ाके अपने नेता की मौत का गुस्सा लेकर इजरायली सेना के ऊपर कहर बनकर टूटे हैं। जंग में 300 दिन बीतने और हमास के मुखिया की मौत के बाद हमास ने ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसके हमलों और बारूद के जखीरे में कोई कमी आई है। रफा में एक बार फिर से हमास के लड़ाके जोरदार तरीके से IDF पर हमले कर रहे हैं और अब इसी कड़ी में हमास की सैन्य शाखा अलकासिम ब्रिगेड ने इजरायली सेना पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। वो ये है कि अलकासिम ने तलल हवा में इजरायली सेना के बख्तरबंद वाहन पर दनादन गोले दागे हैं, जिसमें IDF को भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। और इसी इलाके में अलकासिम के कुछ लड़ाकों ने तो ऐसी बिल्डिंगों पर एंटी पर्सनल गोले बरसाए जिसमें IDF के जवान पोजीशन लिए हुए थे। अलकासिम के लड़ाकों ने इन सैनिकों पर मशीन गन से भी हमला किया है। इसके अलावा अलकासिम ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें IDF के नामेर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के चीथड़े उड़ते हुए दिख रहे हैं। अलकासिम ने इस वाहन पर एक रेड एरो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया था जो अल हुसाम टावर के करीब हुआ था। ये इलाका पश्चिमी राफा के तल सुल्तान में आता है। इसके अलावा अलकासिम ने राफा के तल जारूर में इसराइल के एक ओवक टाइप सैन्य वाहन पर रॉकेट हमला किया है जिसका वीडियो भी सामने आया है। अलकासिम के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे बाड़ेबंदी के करीब से गुजर रहे IDF के कुछ वाहनों पर पहले तो घात लगाई जाती है और फिर उन्हें टारगेट पर लेकर उनके ऊपर रॉकेट फायर कर दिया जाता है जिसमें जोरदार धमाका होता है। इसके बाद हमास का एक लड़ाका छत पर चढ़कर IDF के एक टैंक पर रॉकेट फायर कर देता है और ये रॉकेट सीधा IDF के टैंक पर जाकर लगता है जिसमें जबरदस्त ब्लास्ट होता है। इसके बाद एक दूसरा रॉकेट एक अन्य टैंक पर फायर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ तलल हवा में अलक्सा ब्रिगेड भी इजरायली सेना पर TBG शील और 60 mm मोटर गोलों से एक बड़ा हमला करती है। अलक्सा ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें अलक्सा का एक लड़ाका लॉन्चर में रॉकेट भरकर एक मकान की दीवार से छिपते हुए आगे जाता है और सामने खड़े IDF के टैंक पर यह रॉकेट फायर कर देता है जिसमें बहुत बड़ा धमाका होता है। और इसके बाद पूरी स्क्रीन धुंधली हो जाती है और ये लड़ाका आगे की तरफ भागने लगता है। इसके बाद स्क्रीन में एक और लड़ाका आता है जो बिल्डिंग में छिपकर सामने से जा रहे IDF के टैंक पर रॉकेट फायर कर देता है जिसमें जोरदार तरीके से ब्लास्ट होता है।